एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ग्लोइंग और फेयरनेस सीरम, जो आपकी स्किन पे ग्लो भी लाएगा और आपकी स्किन पे फेयरनेस भी देगा। तो इस सीरम को आप रात में लगा सकते हैं और सुबह भी लगा सकते हैं, आप इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। सीरम की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से दिखेगा ये सीरम। ये इस सीरम को आप 3-4 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, और रेफ्रिजरेट करोगे आप तो आप इसे ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने अभी यही सीरम लगाया है और इसी के थ्रू आपको जो ग्लो दिख रहा है, आपकी स्किन पे आराम से जाके ये अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो देगा। और इसे अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस भी जाएंगे, आपकी स्किन पे अगर डार्क स्पॉट्स हैं तो वो भी जाएंगे। तो हम लोग चल के देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल। इसमें सैफ्रॉन यानी केसर और चंदन रहता है, जो आपकी स्किन के पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को अलग करता है और स्किन को ग्लोई और क्लियर बनाता है और आपकी स्किन के रिंकल्स को हटाता है। अगर आपके पास पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल नहीं है तो आप सिंपल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है गुलाब जेल, और गुलाब जेल आपकी स्किन को सॉफ्टन करता है, आपके पीएच लेवल को मेंटेन रखता है स्किन की, स्किन को स्मूथ, मॉइस्चराइज, हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को काम डाउन करता है और आपके एजिंग इफेक्ट को रिवर्स करता है। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है मायोनीज। मायोनीज आपकी स्किन में फेयरनेस और सॉफ्टनेस बरकरार रखता है क्योंकि इसमें ऑयल्स रहते हैं। अगर आप एग वाली यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आपकी स्किन को ये हाइड्रेट करेगा और एक बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइज़र की तरह काम करेगा, आपके ड्राई स्किन सेल्स को अलग करेगा और स्किन की मॉइस्चराइजेशन को प्रिजर्व रखेगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक एम्प्टी बाउल। एम्प्टी बाउल में हम डालेंगे 1 चम्मच सौंदर्य एलोवेरा जेल। इसके बबाद हम डालेंगे इसमें 3 चम्मच रोज़ वाटर, और जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ आपको उसी तरह से इसे इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच मायोनीज, और अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो ना ज़्यादा थिक रहेगा और ना ज़्यादा फ्लोई, और इस तरह से आपका 2 मिनट इंस्टेंट सीरम तैयार है। पूरी की पूरी रेसिपी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसे आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं और दिन में 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अब मैं आप लोगों को बोलती हूँ बाय, और एक गिव अवे ओपन है 15 जनवरी तक। तो 15 जनवरी को उसके रिजल्ट अनाउंस होंगे, तो आप 14 जनवरी पहले तक उसमें एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक वीडियो की लिंक आएगी, उस पर जाके क्लिक करिए और वहाँ पे जाके गिव अवे में एंटर करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं बोलती हूँ आपको बाय।